ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मेहमान हैं, संगीत की बिजनेस के जो एक्सपर्ट हैं, संगीत को समझने उसके जो हम कहते हैं हिंदी में संगीत के जो मर्मज्ञ हैं और खास करके जो डिजिटल मीडिया है उसके जानकार हैं, रोशन सिंह जी। रोशन जी, अगर कोई म्यूजिक कंपनी खोलता है, स्टार्ट करता है आज के डेट में, चूँकि आपका लंबा अनुभव है बनारस में या छोटे छोटे कस्बे की बात करें या मुंबई की बात करें, आधार क्या है उसके सर्वाइवल का? कैसे वो क्या सोचकर आए इस धंधे में, इस बिजनेस में, कैसे होती है कमाई? क्योंकि आपने शुरू में कहा कि डिजिटल में आपको उस पर डालने से बहुत कमाई नहीं होगी, तो क्या क्या और आधार क्या है? क्योंकि कोई एक लाख लगाता है, दो लाख लगाता है, तो उसकी इच्छा होती है ना कि चार लाख आए, पांच लाख आए, तो क्या तरीका क्या है, क्या है? ये है कंटेंट वॉल्यूम का गेम है। आपके पास कंटेंट ज़्यादा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको रुपया होते हैं, इससे सर्वाइवल, मैंने जो बताया आपको, सर्वाइवल चल रही है चीज़ें में। छोटी छोटी कंपनियाँ बहुत सारी खुल रही हैं ऑन यूट्यूब, कंपनियाँ चला रहे हैं लोग, कंटेंट आते हैं, सिंगर्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि शायद उन्हें बेनिफिट हो रहा हो या सिंगर को बेनिफिट होता है, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब पर अगर आप चले जाते हैं तो किसी को बेनिफिट नहीं होना है। डेफिनेटली जिसने कंटेंट अपलोड किया शायद उसे कुछ रुपये आ जाए उससे, बट ऐसा कोई कंपनी नहीं बोल सकती कि उससे सर्वाइवल हो सके। आपको आधार के, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आधार अगर किसी को हम इनवाइट करते हैं या कोई आता है तो इंस्पायरेशन क्या, क्या सोचकर, मान लीजिए कि वो एक म्यूजिक कंपनी खोलने में कितने का खर्च आता है? बहुत सारा खर्च आता है, डेफिनेटली खर्च आता है, कंटेंट 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जो भी इन्वेस्टमेंट है, तो 50 लाख का या 1 करोड़ का किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ सोच लेती है उसका बिजनेस कैसे होगा, पैसा उससे कैसे आए? कंटेंट ही है जिससे पैसे आएंगे आपको, जो भी आपने लगाया है या कंटेंट आपके पास है उसी कंटेंट में आपको कोई एक कंटेंट शायद आपकी टोटल रिकवरी करके दे सकता है। कैसे? रास्ते वही हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्रॉस प्लेटफॉर्म जितने हैं, चाहे वो मोबाइल ऑपरेटर्स हों, जहाँ पर आपके CRBT होते हैं, CRBT, तो आजकल हम भोजपुरी की बात करें, क्या CRBT, कॉलर ट्यून्स की बात करें, तो भोजपुरी की कॉलर ट्यून्स आपकी 0% ऑलमोस्ट हो चुकी है, कॉलर ट्यून्स डाउनलोड नहीं होते हैं। हाँ, चांसेज है वहाँ पर वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जो वीडियो चलते हैं, वहाँ अगर आपकी चीज़ें चलें तो आप निकल सकते हैं, उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली यूट्यूब भी समटाइम्स आपको रिकवरी करके दे देता है, क्योंकि चीज़ें अगर आपकी एक कंटेंट भी चल गया तो बहुत कुछ चीज़ें आ जाती है वहाँ से। बट मैं डेफिनेटली किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे आप मोबाइल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स आपको रिकवरी नहीं देता। कॉलर ट्यून्स मैंने बताया आपको, कॉलर ट्यून्स ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, दूसरे जितने प्लेटफॉर्म हैं मोबाइल के, डिफरेंट रेगुलेशंस आ चुके हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस उस पर अप्लाई कर दिए गए हैं, तो चीज़ें डाउन होती जा रही हैं। और भोजपुरी के जो आपके यूजर्स हैं वो आपके इतने एजुकेटेड नहीं हैं जितने चीज़ें अप्लाई कर दी गई हैं कॉलर ट्यून्स के ऊपर, आपको डबल कन्फर्मेशन आ गई है, CG लगा दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं जिसकी वजह से वो बिजनेस डाउन गया। तो इसे मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को कि आप कंपनी खोल रहे तो आप आ जाइए और यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस इंडस्ट्री और इन्वेस्ट कीजिए, तो ये चीज़ें। हाँ, हमारी जो कंपनियाँ, हम लोग जो बहुत पहले से कंपनियाँ चला रहे हैं, जब हम लोग चलते थे CD कैसेट, उस समय हम लोगों ने भी रिलीज किया काफ़ी, और हमारे पास चूंकि बचते हैं, हमारे पास फिल्म्स होते हैं, एल्बम्स हमें वो प्रॉफिट नहीं देता ज़्यादा, बट फिल्म्स भी वो प्रॉफिट नहीं देती, मैं वहाँ भी आ जाता हूँ, फिल्म्स पास हमारे पास सारे राइट होते हैं। नहीं तो फिल्म्स क्या, दूसरे की फिल्म के प्रोड्यूसर से आप उनके राइट्स परचेज करते हैं? क्या राइट्स में क्या क्या लेते हैं? हमारे पास सैटेलाइट राइट्स होते हैं, ऑडियो होता है, कंप्लीट थिएटर छोड़ के सारे राइट हम लोग ऑलमोस्ट अक्वायर करते हैं। पहले हम लोग ये किया काम नहीं किया करते थे, बट हमारे नुकसान का कारण हो रहा था, क्योंकि जब आपके पास सैटेलाइट होता है तो आपकी एक रोलिंग चल रही होती है, समटाइम्स किसी एक चैनल को दिया आपने, कुछ रुपए आते हैं, कुछ और चले, तो इस तरह से एक सर्वाइवल, मैंने बताया कि एक तरह से टर्नओवर चल रहा होता है आपका काम, बट अगर आप सिर्फ डिजिटल पे फोकस करेंगे तो आप फिल्म से रिकवरी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात, किसी से राइट्स आप लेते होंगे ऑडियो वीडियो सैटेलाइट्स का, तो एक मोटा अमाउंट आप उसको देते होंगे? डेफिनेटली बहुत एक मोटा अमाउंट जाता है वहाँ, वही एक मोटा अमाउंट है, और आपको डालना है उसको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सैटेलाइट को अगर छोड़ दे, सैटेलाइट टीवी में जाता होगा बाद में, हाँ बाद में जब मिले तो मिले, वहाँ पर भी बार्गेन है, लेकिन ये जाना है आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही, और फिर ले दे के कहानी वही आ जाती है, वही आती है। मैं एक बताऊंगा सिंपल एग्जांपल, एक बरिस्टास की अगर हम फिल्म परचेज करते हैं, सो मैं साल से 2 साल के अंदर उस फिल्म से अगर रिकवर करने की बात करूं, इफ इट्स नॉट अ ब्लॉकबस्टर फिल्म, तो आप 10 से 15 लाख के ऊपर शायद ही निकाल सकते हैं, मुझे लगता है, क्योंकि एक जहाँ तक मैं सारे प्लेटफॉर्म से हूँ, हमारी कंपनी सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करती है, तो हम लोग एक स्टडी हमने किया हुआ है कि एक एवरेज रिकवरी होती है, बट चूंकि मार्केट हमारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल कंपनीज शायद ही कम ही हैं
जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री तरीके से काम करना चाहती हैं, लोग प्राइस बढ़ाते हैं, चीज़ों को हाइप करके रख देते हैं, तो प्राइसिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे लिए वो 50% नुकसान का कारण होता है एज अ बिजनेस पर्सन, जिस प्राइस में फिल्म खरीदते हैं वो. तो अगर मैंने बताया कि अगर मैं बैलेंस निकालने जाऊँ एक फिल्म का, जो मैंने इस फिल्म से इतनी रिकवरी कर ली, तो शायद मुझे कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी. खाली वो घाटे के बात बताओ, फायदा वाला बताएं. फायदा है ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं? कंपनी कैसे चल रहा है, कैसे चला है? रोलिंग चल रही है, रोलिंग चल रही है, बस टर्नओवर चल रहा है, काम चल रहा है, बिजनेस आ रहे हैं, काम हो रहा है, बस ऐसे ही, दैट्स इट. बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं, बॉलीवुड से भी आपका कनेक्शन है, आपके SRK से बॉलीवुड के भी बहुत सारे म्यूजिकल राइट्स आपने खरीदे हैं और आपके यहाँ वो चल रहे हैं, तो वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ चीज़ों को समझते हैं, वहाँ का बाजार कैसा है? बट मैंने ये नहीं कहा कि भोजपुरी में पढ़े लिखे लोग नहीं है, मैंने प्रोफेशनल्स की कमी बताई. जो यूजर्स हैं, खासकर यूजर्स का कंटेंट है, उसके जो यूजर्स हैं, अच्छा यूजर्स की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूं. जो क्योंकि जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल है वो कंटेंट टू लेते हैं. बॉलीवुड डेफिनेटली वर्क करता है, इवन इफ इट्स स्टार्स तो आपको इजी होता है सेल करना, इजी निकलता है. नॉन स्टार से थोड़ा टाइम लगता है, बट डेफिनेटली वर्क करता है, म्यूजिक काम कर रहा होता है, फिल्म में कौन सैटेलाइट से ज्यादा कमाई होती है? नहीं, चूंकि हम लोग एज अ म्यूजिक कंपनी, हम लोग नॉर्मली हिंदी फिल्मों की म्यूजिक अक्वायर करते हैं, सो उस पर काम करते हैं, और डेफिनेटली उसका कैनवस बहुत ही बड़ा होता है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे म्यूजिक को सर्च किया जाता है हिंदी का, तो वहाँ चांसेस होते हैं निकलने के हमारे, कि वहाँ कुछ रुपए निकलते हैं, और डेफिनेटली हम लोग शेयर करते हैं, लोगों से अक्वायर करते हैं, कंटेंट परचेज करते हैं, तो सारी चीज़ें अब वहाँ से कुछ कमाते हैं, तो वहाँ से हमें भोजपुरी इंडस्ट्री को भी चलना है. चूँकि अब मेरा मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से लैंग्वेज से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे भोजपुरी में काफ़ी हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान देना होता. रोशन जी, SRK बहुत पॉपुलर हो चुका है और लंबा समय भी हो गया इसको आए, जो बाजार में और म्यूजिक कंपनीज हैं उनसे कहाँ SRK अलग होता है? क्योंकि प्रतिस्पर्धा बाजार में उतरते ही प्रतिस्पर्धा कंपटीशन शुरू हो जाती है, तो SRK अपने को कहाँ अलग करता है और किस चीज़ पर फोकस्ड है SRK? हम लोगों ने कोशिश की है कि जो फिल्म हम अक्वायर करें अच्छी हो, पारिवारिक फिल्में हों और गाने साफ़ सुथरे हों. मैं ये नहीं बोल सकता कि एक फिल्म में अगर 10 गाने हैं तो उसमें मैं ये बोलूं कि भाई 2 गाने आप निकाल दो क्योंकि ये गाने साफ़ सुथरे नहीं हैं. बट डेफिनेटली हमने कोशिश की है और अच्छी फिल्में आ रही हैं, हमने काफ़ी जितनी फिल्में की है अराउंड 70-80 फिल्में के राइट्स हमारे पास होंगे, तो उस सारी फिल्में आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर फिल्में आपको मिलेंगे कि साफ़ सुथरे गाने उसके अंदर मिलेंगे और पारिवारिक फिल्में मिलेंगे. और प्लस एज अ कंपनी हम लोग फिल्म प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं, जिसमें पारिवारिक फिल्म बनाने की प्लानिंग है, अच्छे म्यूजिक के साथ, गाने अच्छे रहे हैं उसके अंदर प्लानिंग चल रही है. और दूसरा हमने एक और चीज़ की है, एज अ कंपनी इंडस्ट्री को एजुकेट करने की कोशिश की है कि व्हाट इज कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या है, कैसे एजुकेट कर रहे हैं आप? एजुकेट देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि पहले हमने कोशिश की कि सीधे तरीके से लोगों को बताना होता है कि यार ये कॉपीराइट है, ऐसा मत करो, फ़ोन करो तो लोगों को समझाते हैं कि यार ऐसा मत करो. बट हमें लगता है कि हमारी इंडस्ट्री डंडे की भाषा जल्दी समझती है, तो वो बोलना नहीं चाहूँगा, थोड़ी सी कोशिश की हमने. और लोग जब कॉपी कर रहे होते हैं, कॉपीराइट उन्हें पता नहीं होता. जब मैंने एक सिंगर को फ़ोन किया ढूंढ के उसमें से, सो उसका बोलना, सर ये मैंने गाना दूसरे स्टूडियो में गाया है, मतलब चूंकि आपने ये गाना कहीं और रिकॉर्ड किया था, सेम गाना आपका मैंने ये गाया है और ये दूसरे स्टूडियो में गाया, तो ये कॉपीराइट आपका नहीं होता है. तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, तो इसको फॉलो किया है हमने, सारी कंपनियों से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इसको सपोर्ट करो. तो नाउ इसमें सभी कंपनियां सामने आई है, सभी सपोर्ट कर रहे हैं, इवन उन लोगों ने पंपलेट बनाए हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को. दो चीज यहाँ रोशन जी रोक रहा हूँ, कॉपीराइट्स के किस किस तरह के घोटाले होते हैं एक तो, और एक प्रॉपर तरीका से कैसे इसको रोका जाना चाहिए, क्या तरीका हो सकता है इसको आप रोकने की बात तो हम नहीं कर सकते. हाँ डेफिनेटली हमने जो बोला आपको कि लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने बताया कि लोगों को यही नहीं पता होता कि अगर मैंने ट्रैक कॉपी की तो वो कॉपीराइट है, अगर मैंने कंपोजिशन कॉपी किया वो कॉपीराइट है, लिरिक्स मैंने उठाया वो कॉपीराइट है, उनको यही नहीं पता है. अगर हमने बोला यार ये फ्रेश गाना है तो उनको बोलता नहीं सर ये मैंने उसमें कुछ एंट्री की है, उसके अंदर कुछ बजा दिया है, तो ये चीज़ें होती है, उनको पता ही नहीं है क्या है. वो सिर्फ कंपनियां एक्सप्लॉइट कर रही होती है, लोगों को ट्रैक ला रहे हैं, अब वो एक्सप्लॉइट वहाँ नहीं स्टूडियोज़ हो रहे हैं, वहाँ इतने सारे स्टूडियोज़ बन गए हैं, वो लोग आते हैं कुछ रुपए कम दिया रिकॉर्ड हो गए, अब वो स्टूडियो म्यूजिक डायरेक्टर बोला जाता है वहाँ पर क्यों. अब रीज़न क्या होती है, अभी मैं एक बहुत बड़ी डायरेक्टर की एक फिल्म आ रही है, नाम नहीं लूँगा उनका भी, उसमें एक गाना है जिसका ट्रैक यूज़ कर लिया जाता है, और कैसे करते हैं लोग, जहाँ वोकल नहीं है वो रखेंगे, वोकल आएगा उसके नीचे रिदम बजा के गाना बजाते गा देंगे, तो इससे ट्रैक बनते हैं.
तो ये वो म्यूजिक डायरेक्टर पर वो खुद गलाते हैं फिर बाद में कि मैं ये इस गाने का म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, तो कॉपीराइट लोगों को नहीं पता होता। सो काफ़ी कोशिश की है कि भाई आप लिरिक्स को कॉपी ना करें, कंपोजिशन कॉपी ना करें जिसको हम लोग बोलते हैं, धुन कॉपी ना करें, फिर ट्रैक को कॉपी ना करें। तो कोशिश में लगे, सारी कंपनियां कर रही हैं, सभी ने कंप्लेंट लेकर बिहार में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यूपी में किया हुआ है, तो कर रहे हैं। सिर्फ एक ही कंपनी कोशिश करती है कि धमकी देके कैसे बंद किया जाए। एक दो लोग होते हैं, बताया बीच में आपको मैंने, कि काफ़ी लोग होते हैं कि कोशिश करते हैं कि इनको दबाओ, तो ठीक है, वो तो हर जगह लाइन होती है। लीगल तो ये होगा केस किया है, नहीं आप तो लोग सपोर्ट नहीं करते। जो आप जैसे आपने अगर लेटर किसी को भेज दिया, सो आपको धमकी भरे कॉल आ सकते हैं, कंपनी से आ जाती है, इवन आपके ऊपर लीगल झूठी केस किए जा सकते हैं, होते हैं, वो हमने झेला है, बहुत सारी चीज़ें झेली है इस वक्त इसी सब में जो कॉपीराइट के मैटर्स में, क्योंकि मैं काम करके आया हूँ, काम करता हुआ यहाँ तक भरे हैं हम लोग, तो हमें पता है कि कॉपीराइट्स क्या चीज़ें हैं, किस तरह से काम किया जाता है उसके ऊपर, तो लोग नहीं समझते। मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल्स की कमी है, मतलब आपके पास फंड है बट आपको यही नहीं पता है कि राइट्स क्या होता है। आप ट्रस्ट करेंगे, आप अगर कोई फिल्म की राइट्स खरीदते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास एग्रीमेंट लेकर प्रोड्यूसर जाते हैं, यार जरा इसको चेक करो, उसमें से कंपनी काट के दे देती है उनको कि ये आईपीआर मत देना। सो इट्स सरप्राइजिंग कि आप अगर कॉपीराइट सेल कर रहे हैं, आप उसमें से बोलते हैं कि यार इनको आईपीआर मत दो। तो आईपीआर मतलब क्या, आईपीआर मतलब पहले खुद को एजुकेट कर लें तो फिर आप करें। तो रुपए रखने से कंपनियां चलाना इट्स नॉट इजी थिंग, आपको सारी चीज़ें नॉलेज होना जरूरी है कि आपके राइट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से उसको एक्सप्लॉइट करना है। तो अभी सभी कंपनियां कर रही हैं सपोर्ट। थैंक यू रोशन जी। मतलब ये है कि अभी एक तो अपने इंडस्ट्री में कहीं 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 करोड़ा चल रहा तो है, चलता है, चलता है। रोशन जी थैंक यू सो मच, आपने हमसे बातचीत की और इतना म्यूजिक को लेकर जानकारी दी जो कि लोगों को जानना ज़रूरी है। जैसा कि आपने बताया कि कहीं 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 करोड़ा चल रहा है, कॉपी पेस्ट चल रहा है, और ये जानना चाहिए सभी लोगों को कि सिर्फ पैसा होने से न तो कोई म्यूजिक कंपनी खोलने के लिए दावेदारी कर सकता है और न फिल्म बनाने के लिए। जिस भी विधा में, जिस भी क्षेत्र में उतरना है, उसकी उसका तकनीकी ज्ञान होना, उसका व्यावसायिक ज्ञान होना, कॉपीराइट एक्ट को जानना, मतलब लीगल इश्यूज को जानना, ये बहुत ज़रूरी है और तब आप बिजनेस में आ सकते हैं। संगीत का प्रेम एक अलग चीज़ है, उसको सुनना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका व्यवसाय करना बिल्कुल अलग चीज़ है। अगले एपिसोड में हम किसी और मेहमान, किसी और एक्सपर्ट के साथ होंगे। तब तक अपने दोस्त मनोज भाव को विदा, नमस्कार। तो कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द बायोस्कोप।